नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टिप्स एंड ट्यूटोरियल चैनल में। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में दिया था कि हमारा फॉर्म कोलकाता के बजाय कहीं और जा रहा है, तो जो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि हमारा फॉर्म कोलकाता नहीं बल्कि कहीं और जा रहा है। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियोस को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम बताते हैं कि ये फॉर्म कहाँ जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए मैं क्या क्या एक पोस्ट इन्फॉर्मेशन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, और उसके बाद मैंने मतलब जो रसीद जो मिला था, हमने भी इस पर स्पीड पोस्ट किया था, तो हमें एक रसीद दिया था। रसीद कुछ इस तरह का था, रसीद था ये ऐसा रसीद आपको भी दिया होगा अगर आपने स्पीड पोस्ट किया होगा। तो चलिए बताते हैं कि हम इसको ट्रैक किए तो हमें क्या मालूम चला, और आप अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो पोस्ट इन्फॉर्मेशन नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उसको आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं ये कहां से कहां जा रहा है। ये खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, ये खुल चुका है। तो अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमें इसका नंबर डालना, बता दूँगा मैं लास्ट में कि कौन सा नंबर, ये मैंने नंबर कहाँ से लिया, ये उस रसीद पर ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा डालना है, जिसमें क्या है अभी 8 5 1, इसको सर्च करके देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये पूरी डिटेल निकल के आ चुकी है, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने बुक जो किया है, यानी कि जो हम बुक किए जहाँ से, वो है पुपरी। ये प्लेस का नाम आ रहा है, और हम 24/8/2018 को बुक किए हैं, और डेस्टिनेशन पॉइंट मतलब जहाँ जाना है वहाँ का पिन कोड है 700016, और हमारा चार्ज ये था 41 रुपीज़, वो भी लिखा रहा है, और बाकी ये आर्टिकल टाइप SPA ये सारा। तो हम बताते हैं कि नीचे से देखते हैं, आपको भी नीचे से देखना है आइटम, यहाँ से नीचे से आइटम बुक पुपरी, यहाँ पर बुक हुआ था पुपरी, उसके बाद ये आइटम बैग वहाँ मुजफ्फरपुर पहुँचेगा, फिर मुजफ्फरपुर डिस्पैच किया जाएगा, उसके बाद बैग मुजफ्फरपुर से आगे जाएगा, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर में ही ओपन किया जाएगा। इसी तरह से आप जो प्रोसेस है रास्ता का, आप जो प्रोसेस है वो उनका काम है। उसके बाद क्या होता है कि कोलकाता एयरपोर्ट के पास पहुँचता है NSH, या फिर मान लीजिए कि वो ऑफिस इंचार्ज के पास भी पहुंचता है। उसके बाद लास्टली जो है ये पटना रेफर किया जाएगा दोस्तों। ये मुझे लगता है एक खुशखबरी भी हो सकती है कि अगर ये फेक निकलता है तो कोई बात नहीं है, और अगर ये रियल निकलता है तो दोस्तों ये लास्टली ये पटना ही रेफर किया जाएगा। और मुझे आश्चर्य तो तब हो रहा है जब ये 24 को हमने किया और ये 25 को ही पूरी डिटेल दिखा रहा है, यानी कि 2 दिन में हमारा यहाँ से स्पीड पोस्ट हो जाएगा मतलब। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और आप भी ट्रैक करके देख सकते हैं कि आपका कब तक पहुंच जाएगा, कब तक काम हो जाएगा। तो अब इतना तो पता चला कि ये पटना में ही जा रहा है, मतलब हमारा फॉर्म बिहार में ही रिटर्न होकर के चला आएगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये फेक होता है या रियल, और 10 सितंबर को इसका मेरिट लिस्ट आ रहा है। तो दोस्तों, उसको कम से कम जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।